अरे तुम लोग फिर से आ गए टाइटल और थंबनेल देख के वीडियो देखने। चलो ठीक है, आ गए हो तो अब लगा ही देता हूँ। चलो देखते हैं। चलो ठीक है। क्या हो गया? अरे गुड नाइट, गुड नाइट। कहीं से लूप हो रही है, लूप एज इन सॉरी ओवरलैप हो रही है, नॉट लूप, ओवरलैप हो रही है। कहीं से तो ओवरलैप हो रही है, कुछ चीजें हो रहा है तो वो चीज हमें देखनी है। बस वो चीज हमें देखनी है कि वो क्या चीज है जो ओवरलैप हो रही है। दैट्स इट। बोलो। गला दर्द ठीक हो गया? नहीं, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास ही जा रहा था मैं। अभी जस्ट किया रात में। अच्छा, अब भी जस्ट किया है तो मैं कॉल करने से पहले किया होगा। हाँ, कॉल करने से पहले किया है। कहाँ पे हो आप? लीजन पे। मुझे याद किया #ANDDexterNALLA लड़की की समाजेट अपना फिल बॉक्स के पास। फिल बॉक्स? ओके ओके फिल बॉक्स। ओके ओके ओके। बाय बाय। बाय ब्रो। बाय। क्या? मुझे याद किया #। किधर है? अच्छा डेक सर, मुझे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो बोलो। अच्छा गिफ्ट देना है ना? Eagerly waiting for Vegas VA Syndicate 5 पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल। मुझे बस इतना बता कि how to be what? तुम्हारी girlfriend romantic and a chocolate boy, like यानी sensible boy। How to be romantic chocolate boy? हाँ, और इससे हाँ like इससे ज़्यादा expression तुम दे ही नहीं सकते, like तुमसे जो perfect है ही नहीं, you know। क्यों, मैं क्या chocolate में पैदा हुआ था? क्या मतलब सर्किट मेरी गर्लफ्रेंड था ऐसा? नहीं, ये गलत फहमी है। हम दोनों बहुत नहीं नहीं हम दोनों बहुत स्ट्रेट है। उससे ज्यादा चले गए 106 पे 20,000 उससे ज्यादा चले गए। हाँ रोशन पता कर ले साले, कहीं पता लगे बाहर से उठ गया। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। डेक्सटर, सम टिप्स लाइक हाउ टू बी अ रोमांटिक गाय। अबे भाई अलीटा बताओ रे इसे यार। क्या
अगर मेरा बॉयफ्रेंड चॉकलेटी होता तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता, सो आई डोंट नो मैन, ही वांट्स टू बी चॉकलेटी. मैडम मैडम रोमांटिक, मैडम रोमांटिक होना है, खाना और चाटना नहीं है बंदे को. अबे बस वही करना है भाई, रोमांटिक नहीं होना. अच्छा टेक्स्ट नहीं बोलता हूँ, समझो तुमको किसी को प्रपोज करना है, चलो तुमको जेनिफर को प्रपोज करना है, तो तुम कैसे प्रपोज करो? मैंने कभी किया ही नहीं किसी को प्रपोज ऐसे, तो मेरे को पता ही नहीं है. अरे जस्ट एक्ट लाइक, देखो मेरे को किसको प्रपोज करना है ओके, बट थिंग इज दैट आई लाइक मेरे को उसका आइडिया चाहिए. तो डायरेक्टली जाके बोलो ना उससे, प्रपोज जेनी. ना ना, इफ यू वांट टू प्रपोज जेनी, लाइक जस्ट इमेजिन, लाइक इफ यू वांट टू प्रपोज जेनी तो तुम कैसे करोगे? इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हां हाइपोथेटिकल, लाइक हां रियल, देयर इज नथिंग रियलिस्टिक, पर हां प्रपोज कर, वेरी हाइपोथेटिकल. बस मैं क्या है, जस्ट जाके बोलो. मैचिंग टैटूज भी है किनके? देखो दोनों के पैटर्न में. मेरे तो कई जमाने से है, स्कूल के टाइम से मेरे हाथों में. ओ भाई क्या कर गई? हेलो. अरे अरे जेनी. हां क्या हुआ? अरे इधर खड़े हो. हां मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली जाके उन्हें बोल दो, और क्या डायरेक्टली जाओ, डायरेक्टली जाओ उन्हें बोलो कि क्या कहते हैं अपना, हाँ ये जाने मन जाने मन बोल दो. मुझे कुछ नहीं बोलना है किसी को, मैं जस्ट बता रहा हूँ. मुझे कुछ बोलना ही नहीं है भाई. अरे जेनी सामने आ जाओ. आईडी जब तक मैं देखूंगा नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा ना. हां जेनी का नहीं नहीं वो बात नहीं, मे बी कंफर्टेबल नहीं. हां वो इज कंफर्टेबल, आ जाओ. नहीं नहीं कंफर्टेबल की बात नहीं है, इट्स सिंपल एज दैट कि बस तुम जाके उसे बोल दो कि भाई क्या कहते हैं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए. मतलब ऐसे एक नहीं नहीं ऐसे हाथ रख के, ऐसे कमर पे हाथ रख बोल देना ऐसे. हां ऐसे ही बोल दो, खड़े रह के बोल दो, सिंपल ऐसे बोल दो खड़े रह के. और क्या इसमें क्या नेशनल एंथम घुसाड़ोगे तो वही दिमाग में आएगा ना. एक काम करो, करते करते बोल दो थोड़ा सा ग्रूव एकदम बढ़िया सा चले, मूविंग ग्रूविंग ऐसा. ये देखो ऐसे तुम आराम से चिल्लो के बोल सकते हो. कुछ नहीं जाके बोल दो कि भाई मुझे बाहर चलते घूमने के लिए, और क्या बस हो गया. अरे तो तुम बोलो ना उसको, तभी तो मैं सीखूंगा. हां मतलब वही मैं आगे चल के सीखूंगा ना ये सब. देखो भाई धीरे-धीरे स्टार्ट करो, उसको बोलो बाहर घूमते हैं. अभी तो बाइक थोड़ी ना स्प्लेंडर की धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे. अबे तू लूना पे बैठा है क्या? तेल खत्म हो सकता है. नहीं 10 बार केक मारो तो चलेगा. धीरे धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कंधे बैठ के कान में मुदेगा. बुलेट चलाओ यार. प्रपोज अपोज का नहीं पता भाई, सिंपल सा जाके उसको बोलो. देखो जैसे जेनिफर है, जेनी को बोलो कि भाई चलते हैं बाहर कॉफी शॉप पे, चलते हैं कॉफी वगैरह पीते हैं, फिर कहीं और लेके जाओ कॉफी शॉप के बाजू में, वहाँ पे वो मार्केट भी है, मार्केट लेके चले जाओ उसे. अरे ओयो नहीं भाई. मतलब वही है, देखो अब तुम्हें डायरेक्ट ओयो जाना है तो मैं तुम्हें ढूंढ के दे देता हूँ, कोई बात नहीं. ओयो में रोमांस की जरूरत ही नहीं पड़ती यार. बात तो सही है वैसे. रोमांस ही होता है ना. नहीं नहीं वहाँ तो खैर तुम चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर तो फिर कॉफी शॉप का ड्रॉप कर दो प्लान. वहाँ तो बस आवाजें आती हैं. मतलब ही इज सेइंग कि ऑटोमेशन मोड पे चले जाएगा वहाँ. अच्छा ठीक है ठीक है, ऑटोमेटिक रोमांटिक. हाँ तो डेक्सटर लाइक तुम उस लड़की के सामने आ गए, लाइक अगर जेनिफर के सामने खड़े हो राइट, तो नाउ यू स्टार्ट और तो पहला कन्वर्सेशन क्या स्टार्ट करोगे मुझे वो बताओ. व्हाट अप बीच, व्हाट अप, अरे वो मेरी आदत है, वो इग्नोर करो. डोंट वरी ये पहले भी हो चुका. हाँ ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ. क्या 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 आवाज नहीं आई? तुमने तो बोला था मैं उसको कुत्तिया बोलूंगी, वो मुझे कुत्ता बोलेगी. ये तुम्हारा तो बस कुत्ता कुत्ती बिल्ला बिल्ली चल रहा है तो बस, फिर और क्या चाहिए, कुछ भी बोलो. बोल तो दिया, हाय हेलो व्हाट्सअप ऐसा थोड़ा ऐसा आराम से. तो क्या क्या बोलूं, व्हाट अप बीच, तुम्हारी मर्जी भाई. तो डायरेक्टली
तुम्हारी मर्जी भाई, फिर तो मतलब फिर तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो गाड़ी में बैठ भी जाएंगे या तो तुम्हें गाड़ी से उतार के कुत्ते की तरह मारेगी फिर। दोनों केस में डॉगी होगा। ये क्यों घस रही है अपने आप को जमीन पे? क्या पता गिर गई थी, उड़ गई सुन के बातें तुम लोगों। देखो भाई सिंपल सी बात है, जाओ जाके बोलो हाय हेलो करो, कॉफी वॉफी पे लेके जाओ। और क्या है यहाँ पे, और क्लब वब भी तो है। अरे पर वही तो पूछ रहा हूँ ना, वो तो करूंगा मगर लाइक यू नो हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मेरे को वो नहीं आता। यू नो यू नो टू गिव मी आइडिया लाइक पीटर हेल्प करेगा, पीटर हेल्प करेगा इसमें, मेरा तो हो गया। नहीं पीटर तो हेल्प करेगा, मेरा तो हो गया भाई। अपना तो हो गया, कोई इंटरेक्शन नहीं है तो मैं तो नहीं कर सकता बिल्कुल। मेरा कौन सा इंटरेक्शन है? तुम बहुत फिदा थे। चलो भाई कोई बात नहीं, रुको रुको मैं थोड़ा सुसु करके, तुम बात करो। सालों पहले की बात है, अगर किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ट्राई टू बी अ ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद हर एंड उसके बाद थोड़ा उसके साथ उसके बारे में जानो, उसके लाइक्स डिसलाइक्स या स्पेंड करो। तो जेल में जाओ, जो करना है कर। एंड द थिंग इज जब लगे कि हाँ तुमको उसके लिए कोई फीलिंग है उसको उसके लिए कुछ स्पेशल करो लाइक छोटा सा एंड फिर उसको देखो। देखो बाकी सबका तो पता नहीं बट जो ये जेनुइन वाइब्रेशन है दिस इज द बेस्ट। फिर उसको बोलो आई लव यू if the thing is ke usko agar pasand hai jaise maine alita ka rocky ka dekha dekho chhagde bhi hote hain mujhe bhi karna hai patch up bhi hoti hai ladaiyan bhi hoti hain but the thing is at the end wo log saath mein hi hote hain na and sare kaam kaaj ke baad bhi they spend the quality time to wahi baat hai bas mere tarah se mere mera aise hi dusron ka mujhe nahi pata। बोलो गोल्डी। अरे डेस्टर में थोड़ा सा साइड होना, मैं खाना लेके आ रहा हूँ, बाहर मिलो मुझे पार्किंग में। ओके कट ऑफ। अरे एक मिनट जाओ ये अपना हर्षो भाई बताओ मजाक कर रहे थे ना वहाँ पे, वो प्रपोजल का तो जैनी को मे भी कुछ बात हर्ट कर गई और इसीलिए वो छोड़कर अपने घर की ओर भाग गई। वो कौन मजाक कर रहा था? अरे जो आपका प्रपोजल का वो पूछ रहे थे ना सर्किट भाई, उस चीज पर मुझे लगता है कोई चीज उसको जैनी को ना हर्ट कर गई। उसको तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं उससे, पता नहीं क्या हुआ इसीलिए वो चुपचाप छोड़ कर भागी। मैं बुला भी रहा था उसे, बात नहीं सुनी और वो चुपचाप अपने घर की साइड चली गई। फोन करे क्या? एक बार कॉल कर लो नहीं तो ना वो अपने घर के पीछे की साइड होगी, वहाँ देख लो एक बार। कोई नहीं पहले कॉल कर लेते हैं। हेलो। अरे ये गोल्डी कह रहा है कि तुम भाग गई यहाँ से। वो थोड़ी बीच साइड आई थी, वो थोड़ा सर घूम रहा था इसलिए। मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, आ जाओ यहाँ पे सब खड़े हैं। हाँ हाँ तो थोड़ी देर में आ जाओ। आ जाओ वो तो बीच साइड में है शायद, कह रही है आ रही है बीच साइड, वो इसीलिए मैंने बुलाने गया डॉक्टर भाई। अरे लेकिन यहाँ पे किसी ने तो उसको कुछ बोला ही नहीं ना, किसी ने उसका नाम लिया। अरे नहीं डॉक्टर भाई मैं क्या मुझे क्या मालूम इस चीज का, उनको मुझे भी नहीं मालूम इस चीज का, बट अब जितना मेरे सामने आंखों के सामने वही है, मेरे को तो लगा नहीं किसी ने कुछ बोला उससे, सब अपने यहाँ मस्ती कर रहे थे।
वही ना, मस्ती में कोई चीज लगता है जैनी को हर्ट कर गई जैसे। हो सकता है हाँ, वो आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ सकते हो वो चीज, आप दोनों एक बारी बात कर लेना ठीक है। तो आप एक बारी क्लियरली पूछ लेना ना उससे कि जैनी से कि हाँ भाई जैनी क्या बात हुई थी, क्यों मतलब एकदम क्या लग क्या बात बुरी लगी आपको। मैंने पूछा तो सही, वो कह रही कि जस्ट ऐसे ही लड़कियाँ डेक्स्टर भाई बता, नाराज भी होना है और बताना भी नहीं है। बात तो है यार, इसलिए मैं ना ये चुड़ैल से दूर ही रहता हूँ सबसे। मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा अंकल, मतलब आपका भी। क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं पल्ले पड़ते भाई लड़कियाँ, इसलिए ये चीजें डॉक्टर भाई मतलब ना थोड़ा सा ना माइंड से ऊपर हो जाती है कि लड़की बोल रही होती है कि मतलब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, दिल से के सोच रही होती है कि हाँ अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये बात भी है, वो ही सीन है। अब नाराज भी है, बताना भी नहीं है कि नाराज क्यों है। क्या कर सकते हैं अब बताओ, मैंने तो पूछा उससे लेकिन अब वो उधर ही है शायद। वो फोन पे डॉक्टर भाई नहीं बताएगी, एक बार उसे ना अकेले में कहीं ले जाना और वो फिर आपको बता। अरे अरे अभी कहाँ लेके जाए, मेरी तो तबीयत खराब है। अरे भाई भाई ध्यान रखो अपना, वरना जेनी से बात कर लो, वो अगर परेशान है तो मुझे बताओ, मैं चलता हूँ फिर उससे बात करते हैं। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। आज देख के ही आते, मिल के ही आते। मैं अबे डिक्की, तुम टायर के नीचे सो जाओ, मैं डिक्की में आ जाता हूँ। हेलो क्या चल रहा है, आ जाओ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। गोल्डी बोला कि तुम्हें कुछ बुरा लग गया करके वहाँ बातों बातों में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या पता नहीं वो तो कह रहा था। नहीं नहीं ये बात नहीं, सब ठीक है ना। यप। देखो देखो सब तो मेरे भाई जैसे ही है ना वहाँ पे, क्योंकि सब मजाक करते रहते हैं, तो इतना दिल पे मत ले लेना बात किसी की भी। नहीं तो मतलब किसी की बात दिल पे नहीं। पम्मू थैंक यू फॉर 25 AED ब्रो, व्हाट अप। अरे ये मत लेना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बे। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मतलब कोई मत लेना ऐसा। बात तो सही है। बोलते हो तो भी हम नहीं लेते दिन पे। ये बात भी सही है। हाँ ना। कहीं ड्रॉप कर दूँ तो मैं भी घर जा रहा हूँ। No no. This is a private conversation. डैडी जेनी को लेके जाओ आप। चले गए करे सब लोग सोने। कोई बात नहीं। हो गए। जा रहे जा रहा मैं भी जा रहा। गुड नाइट। चलो कोई ड्रॉप कर दो तुम्हें, मैं जा रहा हूँ, मुझे मेडिसिन भी लेनी है एक्चुअली। कोई बात नहीं, टेक रेस्ट आप। ड्रॉप कर दो ना इसको घर पे। कोई बात नहीं। बताओ बताओ। झाड़ी में मजा आता है। कोई बात नहीं, हमारी तबीयत खराब है, तुम फिलहाल जाके रेस्ट लो। अरे मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगा ना, कहीं जगह ड्रॉप कर दूं मॉडल वॉटल पे। नहीं 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 मैं चली जाऊंगी। तुम अच्छा अच्छा ठीक है जाओ ना, ये अभी जा रहे हैं वहाँ पे तो छोड़ देके जाते हो, जो बात करनी कर लो जाओ, आएगी जाओ। ना ना कोई नहीं ठीक है जाओ, अबे आराम से आराम से। चलो मैं मिलता हूँ कल ठीक है। ठीक है ओके गुड नाइट टेक रेस्ट। जाती हूँ घर पे, चलो छोड़ दूं। तुम सोने जा रहे हो, मैं जा रही हूँ घर तक। बाय। तुम्हारा जहाँ पे घर है वहीं पे भी ऑलमोस्ट मेरा ही घर है। हाँ वही तो। तुम उधर जा रहे हो। मैं तो मेरा घर तो वही है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई ना। मेडिसिन लिया? मेडिसिन अभी दी है डॉक्टर जोई ने, अभी खाना खा के लूंगा। क्या सही चल रहा है? हाँ फिलहाल तो ठीक ही है, मुझे ना सेल्स करनी, पता है क्या बिल्कुल भी सेल्स नहीं रखी मेरी। किससे? ओनर ओनर नया ओनर कौन है? नया ओनर
कोई है कैरल समथिंग। कैरल ये कौन है? कोई एक एजेड पर्सन है। ओके पहली पहली बार मिली मैं। देखते हैं कौन है। आया कहाँ से बट वो? आया नो आइडिया, कल ही मैं लॉकडाउन से बात की, वो रिपोर्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। ओके मैंने बोला ही तो कि शायद गाड़ियाँ आ सकती है नई वाली। कौन सी गली है? कोई नहीं यहीं पे, ये वाली गली है ना? ये रहा। चलो एक सेकंड उतरना जा। बोलो चीज। हाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आई डोंट नो, शायद मैं उनको शायद ये चीज़ पसंद नहीं लगती होगी कि मैं ज़्यादा मैसेजेस करती हूँ या फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश करती हूँ। नहीं जस्ट मैं ब्रो प्लीज प्ले वेलकम टू द बैरियो सॉन्ग प्लीज पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल चुप बे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो वही बोल रही हूँ कि कभी बार वो हो जाते हैं कि लोगों को कभी कभार इरिटेट भी लगता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। अच्छा या वही मैं बोल रही हूँ मे बी। देखो 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 मेरी ना एक बहुत फेमस लाइन है, सारी बातें भूल जाओ ठीक है, और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। ओके तुम्हें मैसेज करना है करो, तुम्हें कॉल करना है करो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाता, और जब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, तो मैं सबको रिप्लाई दे देता हूँ एक एक करके ताकि लाइक यू नो ऐसा इग्नोरेंस ना लगे कि भाई मैंने रिप्लाई नहीं किया किसी को जानबूझ के, राइट? तो मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ऐसा लग रहा है कि भाई तुम इरिटेट कर रही हो या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ये लग रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब चीज़ सोचता भी नहीं हूँ। क्या कर रहा है? काम कर रहा है क्या? तो चिल करो ठीक है, इतना सोचने वाली बात नहीं है। ओके अभी घर जाओ, खाना वाना खाओ, आराम करो। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ, मेरे को मेडिसिन लेनी है, मेरा बहुत गला ये हो रहा है। ओके ओके चलो टेक केयर। ओके बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। चलो सी या कल मिलते हैं। ओके ओके। तो भाई सबसे पहले इंट्रो के लिए सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो, पर मैंने जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए कर दिया था। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ट्यूबलाइट के बारे में कुछ भी जानने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, और हम आपसे मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।